हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रेस स्कोम कैप्सूल। स्ट्रेस स्कोम कैप्सूल के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी इस चैनल पर लेके आता हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेस स्कोम कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चिंता व तनाव को कम करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और किन किन कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्ट्रेस स्कोम कैप्सूल, ये एक पत्ते में 10 कैप्सूल होते हैं और इसे एक पत्ते का प्राइस है 70 रुपये, यानी 70 रुपीज़ ओनली। और इसे कंपनी बनाती है डाबर और इसके अंदर होता है अश्वगंधा 300 mg। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे किन किन कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों में स्टेमिना की कमी है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि उन्हें नींद बहुत कम आती है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता यानी टेंशन रहती है हमेशा, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों में शारीरिक कमजोरी हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे यूज़ करने का तरीका यानी इसके डोज। दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, खाना वाना खाने के बाद आप दूध या पानी के साथ ले सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 14 साल से कम उम्र के लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए आप जानते हैं इसके फ़ायदे। दोस्तों जिन लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता तनाव रहता है उसको ये धीरे धीरे कम कर देता है, या फिर जिन लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है तो धीरे धीरे उनकी नींद बढ़ने लगती है तो वो पहले के मुकाबले से ज़्यादा सोने लगते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट होता है। बहुत लोगों में देखा जाता है कि उनके शरीर में शारीरिक कमजोरी होती है तो ये कमजोरी को भी दूर करता है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ स्टेमिना भी भरपूर देता है। अगर आपके शरीर में स्टेमिना की कमी है तो ये उसको बढ़ा देता है, साथ साथ ये मानसिक तनाव को भी कम करता है। दोस्तों अगर आपके शरीर में स्टेमिना की बहुत ज़्यादा कमी है या शारीरिक रूप से कमजोरी है तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आएगी उसे ज़रूर देखें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसका नाम है एनर्जिक 31। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों वैसे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस दवा को लेते हो और किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो आप इस दवा को बंद कर दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका समय बचा सकूं और आसान भाषा में वीडियो लाता हूं ताकि सब तक पहुँच सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।